हाय गाइस, वेलकम टू ममताज किचन। आज हम चाइनीज रेसिपी बनाते हैं, वो भी वेज मंचूरियन ड्राई ग्रेवी में। तो चलो देखते हैं इनकी रीत। एकदम आसान डिश से आपको ये रेसिपी मैं बताने वाली हूँ, जरूर ट्राई करिएगा। मैंने कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम सभी को कद्दूकस कर लिया है। आप उसको ग्रेटेड भी कर सकते हो। सभी को मिक्स कर लेना है प्रॉपर। अभी इसमें आप टेस्ट अनुसार नमक और पेपर पाउडर ऐड कीजिए। सभी को प्रॉपर वापस मिला देते हैं। और इसमें मैंने 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर यहाँ ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर या और मैदा यहाँ पे बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। और 3 से 4 स्पून जितना मैदा यूज़ किया है। आप बाइंडिंग आए वो अनुसार यूज़ कर सकते हो। अभी हाथ की मदद से प्रॉपर मिक्स कर देना है। यहाँ मैंने ग्रीन चिली और जिंजर की पेस्ट ली थी, वो ऐड कर दिए 1 स्पून। अभी जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे एक आटा गूंथ लेना है। अभी इसमें से हमें स्मॉल स्मॉल मंचूरियन बॉल्स बनाने हैं। हाथ को तेल से ग्रीस करके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो देख रहे हो ना, आप मीडियम साइज़ के भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के बनाए हैं। ऐसे ही हम सभी मंचूरियन बॉल्स रेडी कर देंगे। एक कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल को गरम करने रख दिया था। तेल गरम हो गया है। अभी हम मंचूरियन को डीप फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में पलटाते रहते हैं हम, उसको गोल्डन ब्राउन रंग आए और ऊपर से क्रिस्पी लगे तभी तक हमें उसको फ्राई करना है। आप देख रहे हो कि मंचूरियन फ्राई हो गए हैं। अभी हम तेल में से निकाल देंगे। तैयार है हमारे मंचूरियन। अभी हमें ग्रेवी बनानी है। एक पैन में 2 स्पून तेल ले लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने स्लाइस की हुई ऑनियन ली है और स्प्रिंग ऑनियन आती है वो मैंने कट करके ले ली है। यहाँ पे सभी जो सब्जी हम यूज़ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसी को एक ही साइज में कट करनी है। तो यहाँ मैंने सभी को स्लाइस में कट कर लिया है, लंबे लंबे। कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट और ऑनियन सभी को यहाँ लिया है मैंने। अभी उसमें मैं नमक डाल रही हूँ और पेपर पाउडर। सभी को मिक्स कर देना है। इसी लेवल पे आप जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। मेरे घर में नहीं खाते इसीलिए मैंने अवॉइड किया है। 2 स्पून यहाँ चिली सॉस और 2 स्पून टोमेटो केचप ऐड किया हुआ है। अभी 2 स्पून जितना सोया सॉस भी मिला देते हैं इसमें। सभी को प्रॉपर मिक्स कर दिया है। एक बाउल में मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी डाल के डाइल्यूट कर दिया था। अभी उसको हम बेस में डाल देते हैं और उसकी एक थिक स्लरी बना लेते हैं। तो तैयार है ड्राई ग्रेवी। इसमें हम मंचूरियन ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ और प्रॉपर मिक्स कर देंगे। तो तैयार है हमारे ड्राई मंचूरियन सर्व करने के लिए। कैसी लगी रीत? एकदम इजी और क्विक है ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए फ्रेंड्स। बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई नई रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप नई नई रेसिपी ट्राई करते रहो। तो ज़रूर मेरी ममताज किचन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।
बाद में यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर 2 से 3 चम्मच पानी में डाइल्यूट करके रखा था, वो ऐड कर देंगे। अभी इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चढ़ने देंगे। बाद में उसमें हमें मंचूरियन डालना है, ऐड करके प्रॉपर मिक्स कर देना है। तो तैयार है हमारे ड्राई मंचूरियन सर्व करने के लिए, तो चलो सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये ऐसी रेसिपी